आज के दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह के लगभग 8:30 बजने वाले हैं और कई दिनों के बाद आज मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि आज कुछ खास है, क्योंकि बैसाखी मेले शुरू हो गए हैं तो बैसाखी से ही हमारे यहाँ के क्षेत्रीय मेले शुरू हो जाते हैं। तो आज केदार घाटी का प्रसिद्ध मेला जाख राजा का मेला है, तो आपको भी आज जाख राजा के मेले में ले चलेंगे। तो उससे पहले कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिर पहाड़। मेले हमारे एक सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, जो कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और साथ ही हमारी आस्थाओं को भी जगाते हैं। तो आज जो जाख राजा का मेला है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता दूं, जाख राजा हमारे क्षेत्र के क्षेत्र रक्षक यानी कि यक्षराज देव हैं, जिन्हें जाख राजा के नाम से जाना जाता है। जब भी हमारे इस क्षेत्र में बारिश से कोई भी समस्याएं होती हैं तो जाख राजा इन समस्याओं का निराकरण करते हैं। और साथ ही आज जाख राजा जो है दहकते अंगारों में कूदते हैं और उसके बाद अपने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसी प्रकार आप ब्लॉग में बने रहिए और आपको भी दिखाते हैं जाख राजा का मेला। अभी मैं घर से काफी जल्दी निकल गया हूं क्योंकि मेरा कुछ काम है और उस काम को करने के बाद मैं आपको ले चलूंगा अपने क्षेत्रीय मेले जाख राजा के मेले में और आप भी इंजॉय कीजिए हमारे यहाँ के क्षेत्रीय मेला जाख राजा के मेले को। मेरे यूट्यूबर के जितने भी व्यूअर हैं, अगर उनको भी जाख राजा के मेले में आना है तो आपको इसके लिए उत्तराखंड आना होगा और उत्तराखंड के एक छोटे से शहर गुप्तकाशी यानी कि केदार घाटी में आना होगा और वहां से आपको महज गुप्तकाशी से 5 किलोमीटर की दूरी पे जाख राजा का मेला लगाया जाता है। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और हमारे केदार घाटी के जाख राजा के मेले में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सड़क पे, तो यहां पे देख सकते हैं कि हंस भी हैं यहां पे 2-4, ये देख सकते हैं यहां पे 2 हंस और 2 बतख हैं जो कि दाना चुग रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट में, जहां पे देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे किसी प्रकार की रैली निकाले हुए हैं जिसके लिए वो नारे लगा रहे हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं माँ बिंदवाशिनी के मंदिर में, जहां जाख राजा की डोली को यहां से मेले में ले जाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जाख राजा का प्रांगण है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में मेले में लोग आए हुए हैं और काफी बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ भगवान जाख राजा का आवाहन किया जा रहा है और थोड़ी देर में भगवान जाख राजा अवतरित होंगे और दहकते हुए अंगारों में कूदेंगे और सबको अपना आशीर्वाद देंगे। मेले में काफ़ी भीड़ लगी हुई है लेकिन अचानक मौसम ख़राब होने से हमें मेले से जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश लग गई है और इतनी तेज़ बारिश आज पहली बार लगी है इस बार,
देख सकते हैं कि सारे लोग मेले से घर जाने लगे हैं।